नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। ये सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है विद दिस क्लो 3D सॉफ्टवेयर, जहाँ पे जो डिज़ाइनर्स हैं वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उनके जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर आई स्टार्टेड विद द ऐप। सो यहाँ पे सबसे पहले ना दो विंडोज आपको दिखती है, विच इज 3D विंडो एंड 2D विंडो। 2D विंडो में सारे आपके पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ बॉडी के साथ, एंड 3D विंडो में वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो भी बॉडीज पार्ट मुझे जैसा डिज़ाइन चाहिए जैसा आपने देखा उसको मैं डेवलप करूँगी इन 2D विंडो यूजिंग दी शॉर्टकट विच इज एच को लेकर के। इसको एच इज अ टूल जिससे हम पूरा ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग करते हैं और आपका जो पैटर्न है वो फैब्रिक में कट होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बॉडीज बनाया है जो मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है, और बैक के लिए मैंने नेक लाइन को थोड़ा हाई कर दिया है, और जो नेक बैंड है उसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू दी नेक लाइन। उससे क्या होगा कि ना जब हम रियलिटी में उसको देखेंगे ना तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड दिखेगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ को प्रोसेस कर रही हूँ अगेन, तो जो डार्ट्स हैं उसको भी मैं शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि बैक डार्ट इतने ज़्यादा लार्ज नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रंट पोर्शन को डुप्लीकेट कर दिया सो दैट हमारा जो सिमिलैरिटी है, क्योंकि हम सिमेट्री डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमारे इक्वल पोर्शंस दिखेंगे। ओके, यहाँ पे मैं 3D विंडो में जो बैक साइड का पोर्शन है उसको बैक में ले जा करके फ्लिप कर रही हूँ सो दैट फ्रंट फेसिंग साइड जो फैब्रिक का है वो हमारे तरफ फेस करे। ओके, यहाँ पे स्टिचिंग इतना ईजी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब जो हम स्टिचिंग करते हैं बैठ करके इतना घंटों लग जाता है, यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। देखो यहाँ पे जो चूड़िया था ना वो भी मैंने उसको स्टिच कर दिया है एट अ टाइम। सो आई लव प्लेइंग विद दिस सॉफ्टवेयर राइट नाउ, सो ये मेरा भी करंट फेवरेट टूल बन गया है। सो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ जो भी मैंने स्टिच किया है वो फैब्रिक प्रॉपरली बॉडी में फिट हो रहा है या नहीं। ओके, जब मेरा बॉडी कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसको साइड करके मैं स्लीव की तरफ पढ़ रही हूँ, क्योंकि स्लीव हमारी अगर आपने देखा होगा डिज़ाइन में थोड़ा सा वॉल्यूम है और बैंड्स के साथ अटैच है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो बॉडी का मोशन है जो कि मैंने शिफ्ट एक्स के थ्रू इसको जनरेट किया है, आप कीबोर्ड में शिफ्ट एक्स प्रेस करोगे ना इस तरीके से ब्लू डॉटेड लाइन्स आ जाएंगी, इससे क्या होगा बॉडी का जो मोशन है ना वो ट्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने पीसेस बनाए हैं ना बैंड्स बनाए हैं उनको मैं बॉडी में लगा रही हूँ कितना लेंथ और रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो मेरा गैदर्ड पीस स्लीव का जो बेसिक पीस है उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ ना ए फॉर्म, जिससे कि हमें बॉटम में ज़्यादा वॉल्यूम और गैदर मिल जाएगा और आपका पोर्शन में थोड़ा कम वॉल्यूम मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट कर रही हूँ उसकी लेंथ को, जिससे कि हमें पता चले कि इसकी लेंथ ओके है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिचिंग इतना ईजी है कि मेरे को बस एन प्रेस करना है मेरे कीबोर्ड में और मेरी स्टिचिंग कम्प्लीट हो जाएगी। सो आई जस्ट जो ऐसे कंप्लीट नहीं होगी, ऑफकोर्स आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को जहाँ पे स्टिच होना है उसको अटैच करके इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। तो स्टेमुलेशन बोलते हैं इसको, यहाँ पे मैंने स्टेमुलेट करके उसको स्टिचिंग को जॉइंट कर दिया है। तो आपको दिख रहा होगा 3D विंडो में कि किस तरीके की स्लीव हमारी दिख रही है राइट। तो यहाँ पे हमारी स्लीव भी कंप्लीट हो चुकी है। मीनवाइल अब यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं स्कर्ट की तरफ, हम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए एज ए डिज़ाइनर कि जो भी आप गारमेंट बना रहे हो उसका प्रोसीजर कैसा होना चाहिए राइट। 3D सॉफ्टवेयर में आप वो बहुत ईजीली सीख सकते हो, सो इट्स कंपल्सरी टू लर्न दी सॉफ्टवेयर एज वेल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, स्कर्ट जो ए लाइन स्कर्ट है वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट पीस दिया है उसको इस तरीके से कर्व्ड आउट कर दिया है, उसी को मैं जो है रेप्लिका करूँगी बैक के लिए, क्योंकि सिर्फ डिज़ाइन हमारी सिमेट्री है तो हमें अलग से ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्रंट और बैक का पीसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब क्योंकि मुझे ना बलून लुक चाहिए स्कर्ट में बॉटम के साइड, तो मैं क्या करूँगी उसी को ही डुप्लीकेट कर लूँगी। तो मेरे पीसेस है ना उसको डुप्लीकेट कर लूँगी, इससे क्या होगा कि मेरे जो लाइनिंग वाले पीसेस है ना वो भी जनरेट हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि लाइनिंग हमें शॉर्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो लाइनिंग है उसको मैंने शॉर्ट कर दिया है और जो एजेस हैं उसको मैंने इक्वल कर लिया है हमारे मेन फैब्रिक के साथ, इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया। अब क्योंकि मुझे ये पीस मेन फैब्रिक के पीछे चाहिए तो मैं उसको इस तरीके से अलाइन कर रही हूँ, जिससे कि हम जब इसको स्टिच करेंगे ना तो प्रॉपरली स्टिच हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेस्ट को स्टिच करूँगी
बॉडी में अटैच करेंगे हम उसको, उसके बाद हम स्कर्ट पीसेस को ज्वाइन करने वाले थे। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर दी है पर मैं उसको फ्रीज कर दूंगी ताकि हमारा सिर्फ और सिर्फ बॉडी जो बैंड वाला एरिया है ना वो स्टिच हो पाए। उसके बाद मैंने क्या किया है, पैंट को फ्रीज कर दिया, ब्लू लाइन दिख रही होगी वो फ्रीज्ड है। उसके बाद मैंने स्कर्ट को स्टिमुलेट कर दिया, स्टिच कर दिया है। अब देखो हमारा जो गारमेंट है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब 80% काम हमारा हो चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आप फैब्रिक को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ फैब्रिक को प्लेस करने वाले हैं। अब जो भी आपकी फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है, साइड में जो है ना आपको फैब्रिक के ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको आप क्या करोगे, फैब्रिक को जाओगे, जो भी आपको फैब्रिक चाहिए, आपको मैट फैब्रिक चाहिए, आपको शाइनी फैब्रिक चाहिए, आपको वेलवेट फैब्रिक चाहिए, जैसा भी फील चाहिए आपको वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा शाइनी फैब्रिक चाहिए तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। और साथ ही साथ आप इसमें कलर्स के बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप कलर्स सिलेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का कलर्स सिलेक्ट किया है जिस जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, जब आप उसको अगेन स्पेस की को प्रेस करोगे तो जो एक्चुअल फैब्रिक है ना वो ड्रेप हो जाएगा बॉडी में। तो इस तरीके का लुक आ रहा है 3D रेंडर करने के बाद, कुछ ऐसा दिखेगा एक्चुअलिटी में, ठीक है। तो अगर आपको चेंजेस करने कोई भी रिक्वायरमेंट है आप एट अ टाइम इस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। आपको प्रिंट डालना है, आपको एम्ब्रॉयडरी डालनी है, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे। इन माई फर्दर वीडियोज आई शेयर कि मैं कैसे करने वाली हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन जो है क्रिएट करके दिखा रही हूँ। सो दिस इज हाउ आई क्रिएट दिस लेदर का डिज़ाइन, लेदर फैब्रिक से डिज़ाइन मैंने क्रिएट करके दिखाया आपको। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अब मैं इसी तरीके से वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहूँगी। और या मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।